एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपीएस न्यूज में। मैं हूँ आरती सिंह और आज आपके लिए लाई हूँ वो खास खबरें जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। तो आइए आपको ले चलते हैं अमर उजाला के पहले पेज पर, जहाँ इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी, जिसमें से कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगी। जो कि एक खबर प्रकाशित हुई है रामपुर से, बिलासपुर में दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या कर दी गई, ईंट से सिर कुचला और गला भी दबाया गया। घर में निवस्त्र हालत में मिली किशोरी की लाश बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की दोपहर किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। घर में उसका शव निवस्त्र हालत में मिला, गला दबाकर उसकी हत्या भी की गई, ईंटों से भी उसका सिर कुचला गया है। इतनी बेरहमी से इस दबंग ने इस किशोरी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है घटना उत्तराखंड की सीमा से लगने वाले एक गांव की है। गांव निवासी किसान बुधवार की सुबह अपने पुत्रों के साथ गांव की नदी से रेत निकालने गया था। उसके साथ उसका बिजनौर के धामपुर निवासी दामाद भी आया हुआ था। उसकी बहू भी घास लेने जंगल में गई हुई थी। घर में उसकी 15 साल की पुत्री अकेली थी। उसका दामाद दोपहर के बाद ससुराल वालों से बहाना बनाकर उसकी ससुराल में आ गया था। युवती के परिजनों के अनुसार अपनी साली के साथ जीजा ने बहुत बेरहमी से दुष्कर्म कर दिया है और उसकी बाद में हत्या भी कर दी गई है। ईंटों से उसका सर कुचला गया है, गला उसका दुपट्टा द्वारा दबाया गया और किशोरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस खबर से परिजनों में हलचल मच चुकी है और उसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर पे। बताया जा रहा है येदियुरप्पा को नियोते के खिलाफ रात 2:10 बैठी सुप्रीम कोर्ट। बताया जा रहा कर्नाटक सुबह 9 राजभवन में होनी है शपथ, इसे रोकने अदालत पहुंची कांग्रेस का बहुमत के लिए 15 दिन क्यों दिए गए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के नियंत्रण के साथ बेंगलुरु में चल रही रियासी रस्साकशी से तो थम गई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में आया नया संग्राम शुरू हो गया। दिन भर चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद राज्यपाल भजुभाई बाला ने बहुमत साबित करने को 15 दिन की मोहलत देते हुए बुधवार देर शाम येदियुरप्पा को नियोते दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और बृहस्पतिवार 9 होने वाली शपथ रोकने की मांग की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए बोबड़े की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष देर रात 1:45 सुनवाई तय कर दी गई है। तो इसी के साथ समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, बने रहिए एबीपीएस। आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। आतंकियों पर केंद्र ने कार्रवाई रोक दी गई है। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान सेना व सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये रोक सतर्क है, यानी आतंकी हमले और पत्थरबाजी की सूरत में सुरक्षा बल को जवाबी कार्रवाई की छूट होगी। केंद्र ने सीएम महबूबा मुफ्ती का कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध मान लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इससे शांति व सौहार्द में यकीन रखने वाले मुसलमानों को पवित्र महीने में उत्सव का माहौल मिलेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो आइए आपको ले चलती हूँ मैं हिंदुस्तान के पहले पेपर पर, जहाँ इन्होंने बहुत ही बड़ी खबर एक छापी है। बताया जा रहा है बच्चा पैदा नहीं हुआ तो जिंदा फूंक डाली महिला। मुरादाबाद से प्रकाशित ये खबर है। मजोला क्षेत्र में बच्चे पैदा नहीं हुए तो ससुराल वालियों ने महिला को जिंदा फूंक डाला है। शव को 3 मंजिल छत से नीचे फेंक दिया है। सूचना पर उत्तराखंड से पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने पति समेत 7 खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पति को रियासत में भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है इस महिला के बच्चे ना पैदा होने की वजह से इस महिला को जिंदा ही फूंक डाला। तो एक और तो सरकार महिला की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कहती रहती है और दूसरी ओर वही महिला के द्वारा बच्चे ना होने पर महिला को जिंदा फूंक दिया जाता है। ये कहां का न्याय है। आज की बड़ी खबरें जिन्होंने अखबार के पहले पन्नों पर अपनी जगह बनाई, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस को लाइक फॉलो जरूर करें।